हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। चैप्टर है हमारा ईपी। एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब बोर्ड में आने का चांस तो कम है, लेकिन अगर बोर्ड में आ गया तो आपका करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर 10th स्टैंडर्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी में उसकी फर्स्ट टर्म आपको ए दी है, सेकेंड टर्म बी दी है और लास्ट टर्म सी दी है, और शो करके दिखाना है कि सम ऑफ एन टर्म्स, इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन चलो करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज नोटेड बाय ए, क्वेश्चन में गिवन है। अब सेकंड टर्म बी है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो ठीक है एक काम करते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस बी डिनोटेड बाय डी। ध्यान रखिएगा कोई भी एपी का क्वेश्चन जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट ले लें, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी ए दिया हुआ है तो लेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉमन डिफरेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो ठीक है मैं कॉमन डिफरेंस को डी लेट ले लिया। अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो सेकंड टर्म इज बी। नाउ सेकंड टर्म बी का मतलब है, फॉर्मूला क्या होता है एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो उस नियम के हिसाब से क्या हो गया, देखो ए प्लस टू माइनस वन डी, तो टू माइनस वन इज वन इज इक्वल टू डी बराबर बी। यहां से डी का वैल्यू निकाल लो, बी माइनस ए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने यहां से डी का वैल्यू ही क्यों निकाला, तो ध्यान रखो ये डी जो मैंने वेरिएबल लेट लिया है ये मुझे आंसर में कहीं नहीं चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आंसर में चाहिए ही नहीं लेकिन वो वेरिएबल आपके पास मौजूद हो, तो क्या करो, वैल्यू हमेशा उस वेरिएबल की इक्वल में निकालो, क्योंकि अगर आप डी का वैल्यू निकाल रहे हो और कहीं इसको इंसर्ट करोगे तो आंसर में डी आएगा ही नहीं, और पक्की बात हमें आंसर में डी चाहिए भी नहीं। तो याद रखिएगा वैल्यू हमेशा उस वेरिएबल की इक्वल में निकलनी चाहिए जो आपको आंसर में नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर के यहीं छोड़ देते हैं इसे। चलिए इस ए एन को यूज करते हैं, तो ए एन मतलब लास्ट टर्म जो कि सी दिया है, फिर फॉर्मूला लगाइए, तो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर सी। ए को ए रहने दीजिए, एन माइनस वन को एन माइनस वन, और ये डी का वैल्यू चेक करिए, यहां से मिल जाएगा आपको, ये हो गया बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। अब मैं क्या करूंगा, इस ए को उधर लेके जाइए, तो n माइनस वन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए, क्योंकि यहां प्लस का है तो रख माइनस का हो जाएगा। अब इस पूरे b माइनस ए को नीचे ले आता हूं, n माइनस वन इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है ना तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। अब इस माइनस वन को उधर ले जाता हूं, तो n इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो गया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एन इज इक्वल टू बी माइनस ए, आपका एलसीएम आ गया, तो कितना आएगा बी माइनस ए बन जाए बी माइनस ए इंटू न्यूमरेटर प्लस, अगर मैं नीचे वन ले लूए तो वन में बी माइनस ए मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बी माइनस ए आने के लिए, इंटू न्यूमरेटर मतलब इंटू वन। ये मैंने सिंपल एलसीएम लिया है, आप अपने तरीके से अगर एलसीएम लेना चाहते तो वही ले लीजिए, यही आंसर आएगा। तो यहां से एन का वैल्यू क्या आया, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, सही से रीअरेंज कर देते हैं, तो एन आ गया आपके पास सी प्लस बी माइनस का टू ए अपॉन बी माइनस ए। अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहां से आपने डी निकाला था, यहां से आपने एन का वैल्यू निकाल लिया, क्यों? तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं उस चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं जो मुझे आंसर में नहीं चाहिए। देखो मुझे आंसर में डी नहीं चाहिए था, मैंने डी का वैल्यू निकाल लिया, चेक करो मुझे आंसर में एन भी कहीं नहीं चाहिए, तो इस वाले एक्सप्रेशन से मेरी पूरी कोशिश ये रही कि मैं एन की वैल्यू ही निकाल लूं, जिससे कि वो वैल्यू मुझे जब इंसर्ट करनी हो तो गायब हो जाए और आपका आंसर में एन कभी आए ना। मैंने डी का वैल्यू निकाल लिया, मैंने एन का वैल्यू निकाल लिया, ये दोनों ही वैल्यूज मुझे अपने आंसर में नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह का कभी कोई और क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए तो हमेशा उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेना जो आपके क्वेश्चन में मौजूद तो हैं लेकिन आपके आंसर में नहीं चाहिए आपको। तो डी और एन दोनों ही क्वेश्चन में मौजूद है, आंसर में नहीं चाहिए, तो मैंने उस एन और डी दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब वो मुझे मेरे फाइनल आंसर में परेशान नहीं करेंगे। चलिए इंसर्ट करते हैं आगे उसे। अब देख सकते हैं आपके मुझे एस एन प्रूफ करना, तो एस एन ही लिखते। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और भी होता है, देखो क्या,
एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, और इसमें एल होता क्या है, एल एक्चुअल में लास्ट टर्म को ही बोलते हैं, एनथ टर्म को, ए एन को, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाय टू ए प्लस ए एन। ठीक है, चेक करो इसको लेने से कोई फायदा हुआ, तो एस एन को तो एस एन रहने दो, एन की वैल्यू ये रहे देखो, तो लिखो सी प्लस बी माइनस का टू ए अपॉन बी माइनस ए, ये तो एन का वैल्यू है, अपॉन टू बी तो है, ये लीजिए अपॉन टू डाल दिया, फिर इंटू ए, लेकिन ए तो आंसर में चाहिए तो ए को ए रहने दो, प्लस ए एन, चेक करो ए एन की तो डायरेक्ट वैल्यू सी दी है, ये लीजिए सी पुट कर दिया। अगला स्टेप देखिए, दोनों डिनोमिनेटर में है तो कितना आ जाएगा सी प्लस बी माइनस का टू ए अपॉन टू बी माइनस ए, अगर आप इसे रीअरेंज भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा इंटू ए प्लस सी। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, सी प्लस बी माइनस का टू ए प्लस सी होल अपॉन ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, चेक कर लीजिए यही आंसर तो नहीं चाहिए, ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस टू ए बी प्लस सी माइनस टू ए और ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, ये लीजिए बिल्कुल आंसर आ गया, मैच भी हो गया। इस चीज का ध्यान रखना सी प्लस बी या बी प्लस सी एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, टू प्लस थ्री और थ्री प्लस टू फाइव ही होते हैं दोनों। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा आंसर तो आ गया है, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिन छोटी छोटी बातों को मैंने ध्यान रखने के लिए बोला उसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।